दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। दिल्ली के स्कूलों की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। अब दिल्ली के स्कूलों में एक और बड़ी बात हुई है जिसकी खुद मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की है। राजधानी के शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल ने अपने पहले ही साल में यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। इस स्कूल के पहले बैच के 32 छात्रों ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा में बाजी मारी है, जिनमें 9 लड़कियां भी शामिल हैं। इस उपलब्धि पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी स्कूल पहुंची और छात्रों के साथ तस्वीर खिंचवाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके खुशी जाहिर की है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली के शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल के 32 छात्रों ने एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो देश भर के किसी भी स्कूल से सबसे अधिक संख्या में से एक है। सिर्फ एक साल में दिल्ली के आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल ने बेहतरीन नतीजे दिखाए हैं। मुझे यकीन है कि दिल्ली से ज्यादा छात्र अब एनडीए परीक्षा पास करेंगे और भविष्य के अधिकारी के रूप में हमारे देश को गौरवान्वित करेंगे। दिल्ली देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने बच्चों की सफलता पर कहा, आप बच्चों ने अपने अनुशासन, मेहनत और देशभक्ति के जज्बे से साबित कर दिया है कि आप सैन्य अफसर बनकर भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अब आप सभी को एसएसबी के लिए दोगुनी मेहनत करनी है। बता दें कि इस साल AFPS की 12वीं क्लास के सभी 76 छात्रों ने एनडीए की परीक्षा दी थी, जिनमें से 32 ने इसमें कामयाबी हासिल की है। दिल्ली सरकार का ये स्कूल उत्तराखंड स्थित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने एनडीए की परीक्षा पास की है। दिल्ली में 14 एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में आवासीय सुविधाओं के साथ साथ छात्रों को सशस्त्र बलों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाती है। इतना ही नहीं, ये स्कूल पूरी तरह से निःशुल्क है, जहाँ एनडीए समेत दूसरे आर्म्ड सर्विसेज के लिए भी बच्चों को तैयार किया जाता है। स्कूल के क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये काफी आकर्षक है। केजरीवाल अक्सर ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार शिक्षा को लेकर भाषणों में ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी गंभीर है, और शिक्षा के लिए बनाई गई दिल्ली सरकार की नीतियाँ कितनी सफल रही हैं ये आज एक बार फिर साबित हो गया है। बता दें कि 8 साल पहले केजरीवाल ने इस स्कूल की शुरुआत की थी। इससे पहले दिल्ली में एक भी सैनिक स्कूल नहीं था। फौज में जाने वाले बच्चों के लिए कोई सिस्टम नहीं था। वो क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ये बताने वाला कोई नहीं था। दिल्ली के लोगों का एक सपना था कि दिल्ली में एक बढ़िया सैनिक स्कूल हो, जहां पर बच्चे पढ़ाई कर सकें। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ इस सपने को पूरा किया बल्कि ये भी बता दिया कि सही दिशा में काम किया जाए तो सपनों को हकीकत में बदलते देर नहीं लगती। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।